भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, मेरा नाम राम बाबू है। अच्छा। और मैं एक्सो डेवलपमेंट सर्विस राजगढ़ से आया हूँ। अच्छा भैया, आपको परिचय दोगे मुझे? अब मेरा परिचय, मेरा नाम नंदराम है। अच्छा अच्छा, नंदराम जी हो आप? नंदराम पुष्पत जी। पुष्पत, और करेड़ी का रहने वाला हूँ। करेड़ी का रहने वाला हूँ। करेड़ी का रहने वाला। भैया आपने जो ये लगा रखा है, ये क्या लग रहा है? ये बटली है। बटली है भैया, ये इतनी अच्छी बटली लग रही है आपके, तो जरा इसके बारे में हमको बताओगे आप? बताएंगे साहब। अच्छा, इसकी जो आप विधि किस प्रकार से लगाई है आपने, और कैसे क्या इसमें पानी निकाला है, कितनी दवाई दी, इसके बारे में हमको आपको जानकारी चाहिए थोड़ी सब। तो भैया जो आपने बटली लगा रखी है, तो इसमें सामग्री क्या क्या लगती है? इसमें आप सामग्री ये लगती है कि फिर हम इसको जमीन बेल छांग देते हैं। बेल, बेल की जरूरत होती है? बेल की जरूरत होती है। हाँ। फिर इसमें बीज डालते हैं। बीज भी की जरूरत होती है? बीज की जरूरत होती है। फिर इसमें खाद डालते हैं। खाद, और फिर वो डाली। तो आप जो खाद डालते हो, खाद कौन सा डालते हो? वो DAP रकोडिया सुपर फास्फेट क्या के वो जैसे डालते हैं। मतलब रकोडिया और DAP डालते हो? हाँ, तो उसकी पाली बना के पानी मिल दे इसमें। अच्छा, जिसको पानी मिल देता बस। ये बीज, बीज एक जो बीज हो गया, एक बीज हो गया, ये सामग्री लगती है इसमें? ये सामग्री लगती है। अच्छा दादा, जो आपने मुझे सामग्री के बारे में बताया इस बटली की में, तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसकी विधि के बारे में हमको बता दो, आप किस प्रकार इसको आप इसकी फसल लेते हो? इसमें तो आप ऐसे करते हैं हम। अच्छा, शुरू में इसको हम बेल से बकर हांकते हैं। अच्छा, बकर फेंकते हैं। हाँ, खेत फांकते हो? और वो गोबरिया वगैरह खाद डालते हैं। गोबर खाद और क्या खाद डालते हो? और फिर उसमें ये DAP है। हाँ। और फिर इसमें बकर, फिर बकर फेरते हैं। अच्छा, गोबर का और DAP खाद डालने के बाद फिर बकर फेरते हैं? फिर बकर फेरते हैं। इसके बाद और फिर इसको हम ओढ़ते हैं। फिर ओढ़ देते हो? फिर ओढ़ते हैं। फिर ओढ़ के इसका हम क्यारा बनाते हैं। फिर ओढ़ने के बाद में जब खेत में ओढ़ दिया, इसके बाद क्या क्यारा बनता है? क्यारा बनाते हैं इसका। क्यारा बना के फिर हम पानी देते हैं इसमें। अच्छा, क्यारा बनाने के बाद पानी डाल देते बस? और इसके बाद पानी के बाद फिर क्या करते हो? फिर फाते हो, खाद देना, निंदाई खुदाई। तो पानी दे दिया आपने, तो ये कितने दिन बाद में मतलब उगने लग जाती है? 8 दिन बाद। 8 दिन बाद ये खेत से बाहर निकल जाती है? अच्छा, खेत के बाहर निकलने के बाद में फिर दूसरा पानी कब देते हो आप? 15 रोज। मतलब पहले पानी ना, पहले दे सको बोले, पानी अपने पास हो तो पहले दे सको, पहले दे सकते हैं, 15 दिन में पानी देना जरूरी होता है नहीं? और इसके बाद में 15 दिन दिया, निंदाई कब की जाती है इसकी? निंदा भी इतनी मोटी चलती। अच्छा, इतनी बड़ी होने के बाद इसकी निंदाई? अब नहीं निंदा सर, अब तो फर फूल मारी हो, अब तो फूल आ गई हो। हाँ, अपनी निंदा की 2 बार निंदा चुकी है। दो बार नींद? हाँ, 2 बार नींद चुकी है। पहली निंदाई भी, दूसरी निंदाई? पहली निंदाई इतनी मोटी थी। हाँ। और दूसरी फिर इतनी बड़ी हुई। अब आपने निंदा दी? 2 बार निंदाई कर दी आपने। हाँ। और पानी कितना निकाल दिया इसमें? पानी इसमें निकाल दिया साहब, 4-5 पानी निकाल दिया। 4-5 पानी निकाल दिया। अभी आखिरी पानी है, पानी निकालेंगे, उसके बाद पानी निकालोगे अब, मतलब पक जाएगी? बस पक जाएगी, बेच लेंगे इसको। अच्छा, बेचने के 20 रुपये किलो हमारा, आप क्या कहें, गोभी बराबरी टक्कर जा रही है गोभी के बराबर। ये बिकती है? अच्छा, ये भी फसल भी अच्छी है? ये फसल बढ़िया है। तो इस प्रकार आप जो आपने बताया, आप इस विधि से आप इसको लगाते हो? हाँ। तो दादा, जो एक मतलब आपने लगभग लगाया आपने, तो 1 बीघा में कितनी निकलती है लगभग ये सब? 1 बीघा में 4-5 क्विंटल। अच्छा, 1 बीघा में 4-5 क्विंटल निकल जाती है? हाँ। तो फिर अच्छा फायदा है? अच्छा फायदा। तो दादा, जो आपने मुझे विधि बताई, तो इसमें आपने एक विधि में ये है कि इसमें दवाई का उपयोग कब करते हैं आप? इसमें साहब ये रोग नहीं लगे। हाँ। तो दवाई के उपयोग करना। अच्छा। और नहीं लगे तो करना भी नहीं। हाँ, सही। पर फिर भी एक मतलब एक फील भी छोटी सी रहे। हाँ। उसमें अगर उपयोग करना तो फिर ये कोई मऊआ है वगैरह ये नहीं लगे। अच्छा, मतलब रोग लगे तब इसमें करना चाहिए? रोग लगे जब। अब ऐसे रोग नहीं लगा तो नहीं करना। और निंदाई जरूर उसकी 2 मरतबा करनी पड़ती है। दवाई का उपयोग कर दे तो भी फायदा ही है अपने? फायदा। अच्छा, इसमें कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं साहब। फिर भी इसमें दवाई का उपयोग कम होता है? हाँ, कम होता है। मेहनत कम, दवाई का उपयोग कम। अच्छा अच्छा, ठीक है। और फसल अच्छी, 1 बीघा 5 क्विंटल। अच्छा, ये कम नहीं है, बहुत अच्छी फसल है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप ये बटली है, तो इसमें अपने को क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है? इसमें साहब इसी को अपन जमीन तैयार करके, हाँ, इसी को अपन को ओढ़ नहीं पड़े। अच्छा। ओढ़ करके, हाँ, ये चीज मोटी निकल जा, हाँ, जमीन से बाहर। हाँ। इसमें पानी देना पड़ता है। ये सावधानी जरूरी? ये सावधानी जरूरी। और फिर थोड़ी बड़ी हुई, कहीं रोग लगता है तो उसमें कच्चे रहे DAP कुछ भी, इसमें अपन को खाद देना चाहिए। तो मतलब एक समय पर खाद देना, और समय पर खाद देना और पानी देना। हाँ। और समय पर 2 बार इसको निंदाना। हाँ, और क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है इसमें? बस अब इसमें दवाई का उपयोग कम करना पड़ता है। अच्छा, दवाई का उपयोग कम होता है? कम होता है, क्योंकि इसमें मच्छर लगता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। हाँ। और कभी अगर हो सकता है तो फिर कमी है, पर बहुत अधिक से अधिक कम, बहुत कम दवाई का, मतलब दवाई का जो खर्च होता है पैसा बच जाता है, पैसा बच जाता है। अच्छा लाभ है, सबसे बड़ा लाभ ये, बढ़िया लाभ है। और क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है इसमें? सब इसको जब ओढ़ते हैं। हाँ। तो उस बीज को अपन सावधानी बीज लाना। अच्छा। गलत मिलता है, उपचारित बीज, उपचारित बीज लाना है। हाँ। तो उसको उपचारित बीज को सावधानी करके फिर अपन को बाननी चाहिए। अच्छा, उपचारित बीज ही इसमें बाना चाहिए। हाँ। और निंदाई? निंदाई भी करनी चाहिए 8 दिन बाद। अच्छा, 8-10 दिन बाद निंदाई भी होती है।
तो ये सावधानी अपने को इसमें रखनी पड़ती है। इसके अलावा और कुछ सावधानी तो नहीं और है? कुछ नहीं, दवाई वगैरह की सावधानी कुछ? बस वो बताई थी मैंने आपको, थोड़ी दो एक बार तो लेनी पड़े। हाँ ठीक, मैं आपसे एक जानकारी और जानना चाहूँगा कि जो आपने बटली है इसमें आपने को क्या लाभ है? मतलब ये लाभ है कि इसमें मेहनत कम, अच्छा मेहनत कम लगती है, मेहनत कम लगती और फसल में अच्छी बैठती, एक बगे 4-5 क्विंटल निकलती, मतलब कम मेहनत में अधिक फायदा है। अधिक फायदा है और जैसे भी अपन चाहो सब चीज़ का फायदा इसमें। अच्छा, अपने को उससे क्या क्या लाभ है? इससे साहब इसमें आमदनी कम है, हाँ, खर्च कम है, हाँ, और भाव में अच्छी बिकती है। अच्छा, कम आमदनी है और खर्च है पैसा, मतलब अपने खर्चा कम है इसमें। अच्छा, अपना खर्चा कम लगता है, वही दारू का ये खर्चा कम है। हाँ, अच्छा अच्छा अपना। और ये बैठक में अच्छी बैठती है, एक बीघे 5 क्विंटल बैठ जाती है। अच्छा, दवाई कम चाहिए, नींद चाहिए, अच्छा एक दो चार फंड निकाल दो बरी। अच्छा, इससे बाद और दाल भी इसकी बढ़िया बनती साहब, 20-25 रुपये किलो दाल बिकती है बटली की। अच्छा, भाव में अच्छा बिकती है, भाव में अच्छी बिकती है। अच्छा। दादा आपने मुझे अच्छी जानकारी दी हो, तो इसके बारे में आप अपने जो अन्य किसान भाई जो हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? कि मैं सब किसान भाई से ये निवेदन करूँगा कि सब अधिक से अधिक ज़्यादा बटली की कमाई कर सके, इसमें आवक खर्चा कम है, आवक ज़्यादा है, और मेहनत कम, निंदाई खुदाई कम, कि सभी किसान भाई ज़्यादा बटली की रुचि ले, बटली की खेती करें, इससे सबसे ज़्यादा 1st नंबर आमदनी बटली की है। दादा आपने मुझे और मेरे जो किसान भाई अन्य किसान भाई है उनको बटली के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, राम राम, राम राम, 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 राम।